बाल के साथ खोपा हो रहा है, हाँ शूट कर रहा है। अभी हम लोग चल रहे हैं दोबारा, उधर से आए थे। कैसे हैं आप लोग, वेलकम टू क्रियांश व्लॉग। क्रियांश व्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हैं कि मनीषा और सिमल दोनों साथ में हैं और एक साथ घूम रहे हैं। अभी सिमल जो है मनीषा के घर गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बट अभी जस्ट एक चीज़ सुन के ना मेरा दिमाग अभी ख़राब हो चुका है और मुझे बहुत मतलब गंदा लग रहा है ये चीज़ कि मनीषा तुमने ऐसा क्यों किया, ये चीज़ आपने तुमने झूठ क्यों बोला, ये बहुत गलत बात है। बोलने वाली हूँ कि मनीषा ने जो प्रेगनेंसी के बारे में बोला था वो मुझे लगता है कि वो झूठ बोली थी। अभी वो सिमल के साथ लाइव आई थी और इंस्टा पे भी लाइव आई थी वो, और अभी उसने कहा कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, जिसको सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया कि व्यूज़ के लिए इतना भी नहीं गिरना चाहिए कि ये झूठा खबर मतलब दिखाना चाहिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्रेग्नेंट होने से क्या तुमको व्यूज़ मिल जाते? ये तो बहुत गलत है कि अगर तुमने प्रेगनेंसी को लेकर अगर झूठ बोला है तो। अब वो बोल रही है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, तो ये बहुत ही मुझे बहुत ही अजीब लगा सुन करके उसके मुंह से, क्योंकि वो तो बिल्कुल सब कुछ दिखा रही थी, डॉक्टर का सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ दिखा रही थी कि वो प्रेग्नेंट है, और अब जा करके वो बोल रही है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। प्रेगनेंसी ना बहुत बड़ा चीज़ होता है मनीषा, और इस तरीके से ना प्रेगनेंसी को लेकर कभी भी झूठ मत बोला करो। और इसको सुनकर के मुझे बहुत ही बुरा लगा है कि ये लोग इस हद तक गिर सकते हैं, ये प्रेगनेंसी को लेकर के भी झूठ बोल सकते हैं। तो मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिसको ना मतलब बहुत सारा दवाइयां करवाते हैं प्रेगनेंसी को लेकर के, बट ये लोग कुछ छोटा मोटा व्यूज़ पाने के लिए लोग इतना गिर जाती हैं कि ये लोग बोलती हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और प्रेग्नेंट का वीडियो बना रही होती हैं, और साथ में मतलब सब साथ भी दे रहे होते हैं। यार इतना इमैच्योर तो कोई नहीं होता है जितना तुम हो मनीषा। तो सेम ऑन यू मनीषा, अगर तुमने ये प्रेगनेंसी को लेके झूठ बोला है तो मुझे तो बहुत गंदा लगा। लेकिन सीरियसली मैं इस वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, बट अभी मैं बना रही हूँ क्योंकि मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि मनीषा ने सबसे झूठ बोला कि वो प्रेग्नेंट थी, वो प्रेग्नेंट बिल्कुल भी नहीं थी, और अभी आकर के उसके मुँह में से निकल गया कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, वो सिमल के साथ लाइव आकर के रखी थी। तो प्रेग्नेंट को लेकर के कभी भी झूठ वूठ मत बोला करो, अगर प्रेग्नेंट हो तो दिल से प्रेग्नेंट बोलो, नहीं तो इस तरीके से व्यूज़ पाने के लिए प्रेगनेंसी का बहाना मत बनाओ प्लीज़। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और इस तरीके के लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, सीरियसली नहीं पसंद है। तो अभी जो इसने कहा है इंस्टा पे लाइव आकर के, वो मुझे बहुत ही गंदा लगा, सीरियसली मुझे बहुत गंदा लगा है कि ये लोग इस हद तक भी जा सकते हैं।